आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, वो है उद्धार के बाद, आफ्टर सल्वेशन। हम उद्धार के बारे में तो बहुत सारे प्रचार सरमन हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमें कोई बताता नहीं कि उद्धार के बाद जब, अच्छा तो मैं उद्धार ये जो सब्जेक्ट है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आप एक प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं तो आज के मैसेज को आप नहीं समझेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर मतलब जगह में ऐसे होते हैं कि हमारे जो लीडर होते हैं या फिर जो हमारे आत्मिक अगुवे होते हैं, वो हमें स्पेसिफिकली ये नहीं समझा पाते हैं कि उद्धार के बाद या फिर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें क्या करना होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उद्धार के बारे में बांग्लाते परित्राण बोली, संस्कृत में उसे मोक्षा कहा जाता है, तो उसके बारे में बहुत कोई को पता ही नहीं है वो क्या है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर भी यहाँ पे प्रभु ने जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, प्रभु उन लोगों को भी लेकर के आया है ताकि वो लोग उद्धार के रहस्य को समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उद्धार या सल्वेशन का अर्थ क्या होता है, तो उद्धार या फिर सल्वेशन, इसको ग्रीक में एक शब्द यूज किया गया है, दैट इज सोटेरिया। तो ये जो सोटेरिया, जो उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्षा के लिए, सल्वेशन के लिए ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली दो शब्द से आया है, ग्रीक सोजो और सोटेर। अब इसका अर्थ क्या है पता है? इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है सेवियर सेव्स। अगर इसको हम लोग बिब्लिकल टर्म में, अगर बाइबल के अनुसार अगर देखें, तो सोटेरिया इट्स अ एक्ट ऑफ सेवियर। सोटेरिया ये जो शब्द है, ये एक कार्य है बाइबल के अकॉर्डिंग। ये किस तरह का कार्य है? जहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार किया है, मनुष्य को उद्धार करने का ये जो कार्य है, इस कार्य को क्या कहा जाता है बिब्लिकल टर्म में? सोटेरिया। और इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? सल्वेशन। बांग्लाते हमरा मुक्ति बोली, परित्राण बोली। अब देखिए, हम में से बहुत कोई को लगता है कि उद्धार का मतलब क्या होता है, सिर्फ पाप से उद्धार या फिर पाप से नजात पाना, पाप से छुटकारा मिलना। जब प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि तुम्हें उद्धार मिल गया, इसका अर्थ यह नहीं होता कि तुम्हें सिर्फ पाप से छुटकारा मिला। इसका अर्थ यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको उस दिन आपके सभी पुराने बीमारियों से प्रभु ने आजाद किया। प्रभु ने आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, आपका जो आर्थिक समस्या था, उससे भी परमेश्वर ने आपको क्या किया? आजाद किया। आपके अंदर जो इतने साल से दुष्टात्माएं आपको जो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, आपके जीवन को नियंत्रण कर रहा था, प्रभु यीशु ने आपको उस दुष्टात्माओं के जंगुल से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ पाप से उद्धार देने के लिए यहां पे वो नहीं आए थे, वो तो मुख्य कारण था, ये तो पहला कारण था, लेकिन प्रभु हमें हमारे सभी बंधनों से, हमारे सभी गरीबियों से, हमारे दुर्बलताओं से, हमारे बीमारियों से प्रभु हमें छुटकारा देने के लिए वो यहाँ पर आए थे। और जब, जिस दिन, जिस घड़ी आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं, आप ग्रहण कर लेते हैं, किस तरह से? प्रभु यीशु ने एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत के द्वारा उन्होंने समझाया। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, एक फरीसी था, एक अपने बारे में बहुत बड़ाई कर रहा था, वो सिर्फ दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा था अपने आप को, अपने आप को वो दूसरे के साथ तुलना कर रहा था कि मैं उससे बहुत अच्छा हूं, उससे बहुत बेटर हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं दान देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं युवक समिति में जाता हूं,
युवाओं के सभाओं में मैं जाता हूँ, महिलाओं के सभाओं में मैं जाता हूँ, चर्च में सबसे पहले जाकर के मैं बैठता हूँ। मैं उन लोगों के तरह नहीं हूँ, मैं इन लोगों के तरह नहीं हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, एंड ही वाज साइलेंट, वो शांत था और उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, पता है उसने ज्यादा कुछ भी नहीं बोला, बस वो रोने लगा और छाती पीट पीट करके कहने लगा कि प्रभु इस पापी के प्रति दया कर। और जब आप उस परमेश्वर के सामने में आते हैं और अपने गुनाहों के लिए आप छाती पीट पीट करके रोते हैं और कहते हैं कि इस पापी के प्रति दया कर, तब प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करते हैं, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति प्रभु यीशु मसीह आपको उसी घड़ी देते हैं। सिर्फ पाप से नजात नहीं, आपके सारे बंधनों से प्रभु यीशु मसीह आपको क्या करते हैं, आजाद करते हैं। हालेलुया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमें उद्धार समझ में आ गया है और हम जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमें उद्धार मिल गया, अब हमें क्या करना होगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों स्पेसिफिक कुछ चीजें बताऊंगा कि उद्धार के बाद आपको और हमें क्या करना होगा। तो उद्धार पाने के बाद नंबर वन पॉइंट, कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, आज कल परसों एक साल दो साल नहीं, लेकिन जितना दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलेंगे आगे बढ़ेंगे उतना दिन आपको उन बातों को याद रखना है। समझ में आ रहा? तो नंबर वन, आपको कुछ चीजें याद रखना है। कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है, तो नंबर वन के नीचे हम लोग सब हेडिंग करेंगे। ए, सेकेंड कोरिंथियंस चैप्टर 5:17, कोरिंथियों का दूसरा पत्री 5:17। जी हाँ, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यस, तो ए हमें याद रखना है नंबर वन। तो नंबर वन के अंडर में ए, यू आर अ न्यू क्रिएशन, आप एक नए सृष्टि है, ये आपको याद रखना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो कौन है, अभी वो नया सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत चुकी है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम जितना दूर है मैं तुमसे तुम्हारे पापों को उतना दूर कर दूंगा, ये मेरा खुदा का वादा है। इसी वजह से मेरा यीशु हमें क्या करते हैं, जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमें पूरी तरह से क्या करते हैं, धो देते हैं, साफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं उस दिन से। आपको याद रखना है, कुछ लोग क्या है, यीशु को ग्रहण करने के बाद में भी वो अपने पास्ट में जीते हैं। मेरे प्रियो, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कुछ लोग यीशु को ग्रहण करने के बाद में भी वो लोग अपने पास्ट में, अपने अतीत में जीते हैं, वो अपने अतीत से बाहर आना नहीं चाहते, and that is very dangerous for your spiritual life. ये आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत dangerous बात है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा। अगर यीशु ने कहा है कि आप एक नए सृष्टि हैं, इसका मतलब आप एक नए सृष्टि हो, ठीक है? आपको आपके पुराने जिंदगी के लिए, आपके पास्ट लाइफ को लेकर के दुख में या फिर रोना नहीं है और सोचना नहीं है अकेले में, आप एक नए सृष्टि हो, आपको आगे बढ़ना है। सब पुराने बातों को भूल जाइए, अपने वर्तमान और अपने भविष्य के प्रति फोकस कीजिए यीशु मसीह के साथ। सबसे पहला ये आपको याद रखना है कि आप एक नए सृष्टि है और आपको सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा यीशु मसीह के साथ। आप अपने अतीत के साथ नहीं जी सकते, आप अपने वर्तमान और भविष्य के लिए आप जीए और प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है, आपको ये याद रखना है। बी, 1 Corinthians 3:1-2,
बी फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड 2। हाँ जी। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, हाँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, हाँ। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो जी, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। बस बी यू आर अ बेबी इन क्राइस्ट, मसीह में अभी आप एक बच्चे हो या फिर आप एक बालक हो। पौलुस कोरिंथियों मंडली से क्या कह रहा है, चिट्ठी के द्वारा, लेटर के द्वारा, कोरिंथ में जो नए विश्वासी हैं, उन विश्वासियों के साथ वो बात कर रहा है कि मैं तुम्हें सॉलिड फूड नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, अभी दूध पिला रहा हूं। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक्चुअली उनका क्या हो जाता है, नया जन्म होता है। तो नया जन्म मतलब क्या, एक नया बच्चा। शायद आप शारीरिक रूप से आपका उम्र बड़ा हो सकता है, यू आर 45, यू आर 30, यू आर 25, यू मे बी 70 इयर्स ओल्ड, आप 40, 50, 70, 80 के हैं, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब आप एक बच्चा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आप कौन है। जैसे पौलुस कोरिंथ मंडली में जितने भी वहां पे भाई बहन है, उन सब से पौलुस क्या कर रहा है, लेटर के द्वारा बात कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या समझता हूं, बालक। तो आपको ये याद रखना है कि आप कौन है, अभी एक बेबी, आप एक छोटा बच्चा हो। अभी बच्चे को क्या करना होगा, अभी और ज्यादा क्या होना है बताइए, प्लीज जोर से बोलिए, बच्चे को क्या होना होगा, बड़ा होना होगा। आप एक बच्चे हो और आपको बढ़ना है, बस ये आपको याद रखना होगा। यू कैन फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग, आप गिर सकते हो। सी पहला कुरिंथियों 10:12, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, वो चौकस रहे, वो ध्यान रखे कि वो गिर ना जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं, वचन हमें क्या सिखा रहा है। आपका भी नया जन्म हुआ है, आप एक नए सृष्टि हो, आप एक बच्चा हो, और आप गिरेंगे, और अभी आपका गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं। डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बने। अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को यहां पे ग्रहण किया है और अभी उसका बस उम्र बहुत कम है, वो छोटा है, तो प्लीज बी केयरफुल, मैं उन लोगों को समझा रहा हूं, सुनो, आप अभी एक बच्चे हो, आपको ध्यान देना है कि मुझे बढ़ना है। आप गिर सकते हो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कौन गिरता है, बच्चा गिरता है। तो क्या आप जब बड़े हो जाएंगे तब आप नहीं गिरेंगे, गिरेंगे, लेकिन अभी और उसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा। अभी आप जितना ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, उस समय क्या होगा, धीरे धीरे आप उतना ज्यादा मैच्योर बनते जाओगे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप गिर सकते हो। जब भी आपने इस बात को अपने दिमाग से हटा दिया कि नहीं मैं नहीं गिर सकता, उसी समय आप गिरेंगे। डी पहला तिमोथियो 4:12, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चार चलन, हाँ। और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यस, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति जैसे तुम्हें तुच्छ ना समझे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें दूसरों के सामने में क्या बनना है, एग्जाम्पल। सो डी यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, आपको दूसरे के सामने में या दूसरों के सामने में आपको एक उदाहरण या फिर मिसाल बनना होगा, ये आपको याद रखना है। डी तो आपको क्या करना है, दूसरों के सामने में एग्जाम्पल बनना है, मिसाल बनना है, उदाहरण बनना है। ओके, तो मैं एक बार संडे स्कूल में था और मैं संडे स्कूल चल रहा था, और उस समय क्या हो रहा, हमारे सामने वे सब, मैं भी छोटा बच्चा था,
और हमारे सामने में दोनों टीचर लड़ाई कर रहे, ये माइक छीन रहा, वो माइक छीन रहा, ठीक है। उन लोग एक्चुअली माइक बंद करना भी भूल गए और बच्चों के सामने में लड़ाई कर रहे। नाउ यू थिंक, आप लोग सोचिए इस बात को, अगर हमारे सिखाने वाले अगर ऐसा करें हमारे सामने में, तो हम कैसा करेंगे? है कि नहीं? हमें दूसरों के सामने में क्या बनना है? हमें एग्जाम्पल बनना है, हमें एक मिसाल बनना है हमारे इस समाज के लिए। ये बहुत कठिन बात है मेरे प्रियो, इस बात को आप हल्के में ना लीजिए। यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना ही बस खत्म हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ चीजें याद रखना है। आप एक नए सृष्टि हो, आप एक बच्चे हो, आप गिर सकते हो, और जो सबसे बड़ा बात आपको याद रखना है वो ये है कि आपको दूसरों के सामने में एक मिसाल, एक एग्जाम्पल बनना होगा। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को डायरेक्टली नहीं देखता है, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं? कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को डायरेक्टली नहीं देखता है, लोग हमें देखते हैं, लोग हमारे अंदर यीशु मसीह को ढूंढते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोग हमारे अंदर यीशु मसीह को ढूंढते हैं। अगर हम गलती करें तो क्या होगा? लोग बात करते हैं हमारे सामने में, विश्वासी हमारे बच्चे क्या होता है, उन्हें ठोकर लगता है। इसीलिए मेरे प्रियो, दूसरों के सामने में एग्जाम्पल बनो, आपको एक मिसाल बनना होगा। लोग आपको देखते हैं, आपके बात करने का जो तरीका है, आपका चाल चलन, आप किस तरह से लोगों के साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, सब चीजें लोग नोटिस करते हैं प्रभु के दास और दासी के जीवन में। जिस दिन से आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का हो गया हूं, जिस दिन से आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हो गया हूं, उस दिन से आपके पास में जो व्यक्ति है, आपका जो पड़ोसी है, वो आपको क्या करता है, वो नोटिस करना शुरू कर देता है। तो आपको याद रखना है कि आपको दूसरों के सामने में एग्जाम्पल बनना है। क्या लगता है, क्या पौलुस उस तरह से जीवन नहीं जिया था? बाइबल में सिर्फ यही एकमात्र व्यक्ति था, जानते हैं, जिसने इतना बड़ा दावा कर दिया था। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुना ही नहीं, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जिसने कहा था फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मुझे फॉलो करो जैसे मैं मसीह को फॉलो करता हूं। दिस इज द वन एंड ओनली पर्सन इन द बाइबल। ये सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है यीशु मसीह के बाद जिसने इतना, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जिसने कहा था कि मुझे फॉलो करो जैसे मैं मसीह को फॉलो करता हूं। और किसी भी, मतलब यीशु मसीह के किसी भी शिष्य ने, अपोस्टल्स, डिसाइपल्स, चेले, प्रोफेट्स ने नहीं कर पाया था ये स्टेटमेंट, किसी ने भी नहीं किया था एक्सेप्ट पॉल, पौलुस को छोड़ करके। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें एग्जाम्पल बनना है, मिसाल बनना है। तो उद्धार पाने के बाद हमें क्या याद रखना है? नंबर वन, क्या याद रखना है? ए, क्या हम एक नए सृष्टि है? बी, आप एक बेबी हैं या फिर आप एक बालक है, बच्चे हैं? सी, आप गिर सकते हैं? और डी, आपको क्या होना है दूसरे के सामने में? एग्जाम्पल, मिसाल, उदाहरण बनना है। ये आपको याद रखना होगा रोज, डेली आप उठ करके प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु इन बातों को आप मुझे हर समय याद रखने में मदद करें, मरते दम तक जब तक मैं आपके साथ चल रहा हूं, चाहे मैं एक सेवक हूं या फिर मैं विश्वासी हूं, मैं मरते दम तक इन चीजों को मैं याद रखना चाहता हूं। नंबर टू, तो हमने क्या देखा, कौन कौन सी चीजों को हमें याद करना है या फिर याद रखना है। अब समय अभी नंबर टू जो पॉइंट है वो है थिंग्स टू डू, क्या हमें करना होगा। ए, पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। देखिए, जितना दिन तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, आप एक नॉमिनल क्रिश्चियन थे,
या फिर आप किसी और विश्वास में थे, तब तक ठीक था कि आप इसको प्रायोरिटी देते, प्राथमिकता देते थे, उसको प्राथमिकता देते थे, ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता था, वो आपके लिए ज्यादा मायने रखता था। लेकिन द मोमेंट यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, जिस समय और जिस घड़ी, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आपके जीवन का पहला और अंतिम प्राथमिकता वो यीशु मसीह बन जाता है। बाइबल हमें सिखाती है, मैथ्यू चैप्टर 6:24 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। इतने दिन तक सब ठीक चल रहा था आपके जीवन में, आप जो भी कर रहे थे, आपके मनमर्जी चल रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यू बिकेम अ बिलीवर, आप जब एक विश्वासी बन जाते हैं, उस समय आपको सबसे पहला जो चीज करना है वो ये है कि आपको आपके जीवन का जो प्राथमिकता है वो बदलना होगा। आपके दिल में जो सिंहासन है, और इस सिंहासन में आपने जिन व्यक्तियों को आपने सिंहासन में बिठा के रखा था, उन सभी को उसी दिन उतारना होगा और यीशु मसीह को यहाँ पे पहले बिठाना होगा। क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है, मैथ्यू चैप्टर 22:37 में क्या लिखा है, मत्ती 22:37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा। और मुख्य मतलब क्या होता है, प्रथम, प्रधान, फर्स्ट आज्ञा यही है। और दूसरा आज्ञा क्या है, पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना। तो जो लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मुझे उद्धार मिल गया है, मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सुनिए, अगर आप अभी तक भी कॉम्प्रोमाइज, अभी भी आप अगर कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हैं, चर्च के समय में अगर आप कहीं यहां वहां घूमने के लिए जाते हैं, आपके घर में कौन आया, आप उसको चाय पिला रहे हैं, तो ये सभी काम बंद करें। सिर्फ आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देना होगा, और वही प्रधान है, वही मुख्य है, वही प्रथम है, वही अंतिम आपके जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। और उसके बाद अपने पड़ोसी, अर्थात अपने माता पिता, भाई बहन, बहू बेटी, जो भी है, उन लोगों को रखो। लेकिन सबसे पहले किसको रखना है आपको, परमेश्वर को। यीशु मसीह ने, क्या आपको पता है यीशु ने क्यों ये जो पहला आज्ञा है, इसको क्यों यीशु ने नहीं कहा कि यही सेकेंड आज्ञा है और पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। यीशु कह सकते थे कि ये पहला आज्ञा है कि नहीं, ये तो नया नियम में एक्चुअली यीशु ने दो आज्ञा दिया। इवन जब पुराना नियम में याहोवे ने या फिर परमेश्वर ने क्या किया, जब 10 आज्ञा मूसा को दिया, तो उस समय भी पहला आज्ञा क्या था, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो मुझे छोड़ और दूसरे को भी क्या नहीं करना, ईश्वर नहीं मानना, मतलब मैं ही तेरे जीवन का ईश्वर हूं, मैं ही फर्स्ट हूं। और जितने भी आपको पहले, जितने भी 1, 2, 3 एंड 4, पहला जो फर्स्ट 4 जो कमांडमेंट है वो परमेश्वर के उद्देश्य में है, समझ में आ रहा। तब जब यीशु मसीह आते हैं नया नियम में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी बदलाव या फिर हेर फेर नहीं किया, बस उन्होंने ये जो 10 आज्ञाएं थे उनको समराइज कर दिया, अर्थात उसको छोटा कर दिया यीशु ने। मेन जिस्ट वही है, परमेश्वर पहले और उसके बाद मनुष्य। तो जिस समय आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपको सबसे पहले आपके जीवन में जितने भी प्राथमिकताएं, आप जिन जिन लोगों को आपने प्राथमिकता देके रखा है, जिन लोगों से आपने वादा प्रॉमिस किया है, उन सभी से आपको क्या करना होगा, कनेक्शन कटना होगा आपको, और आपको यीशु मसीह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। उनको सबसे पहले, प्रथम, प्रधान, अंतिम, मुख्य आपको स्थान देना होगा, मेरे प्रियो। बी, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को क्या करना है हमें, अध्ययन करना है।
अब इससे भी और कुछ मैं अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, अच्छी बातें बताऊंगा। परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या है, ये है। तो परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ते तो सब लोग हैं, आपको अध्ययन करना है। और अगर इससे भी आप एक डीपर मीनिंग में जाना चाहते हैं तो यहोशुआ का किताब उसका एक अध्याय आठ पद, यहोशुआ चैप्टर 1:8 में लिखा क्या है देख लीजिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। बस अभी क्या करना है, परमेश्वर के वचन में व्यवस्था में क्या करना है, दिन रात ध्यान करना है। আমরা যে বাক্যগুলোকে অধ্যয়ন করছি সেগুলোকে নিয়ে আমরা ধ্যান করব যে ঈশ্বর আমাদেরকে কি বলতে চাইছে। তো জিস তরহ সে আপ সুবহ উঠকর নিউজ পেপার পড়তে হ্যায় উস তরহ সে বাইবেল আপ নেই পড় সকতে, যেভাবে আমরা গল্পের বই পড়ি সেইভাবে আমরা বাইবেল পড়তে পারি না। বাইবেল হমে অধ্যয়ন করনা হ্যায় আর উসি কে সাথ পরমেশ্বর বচন, পরমেশ্বর কা বচন কহতা হ্যায় কি হমে ক্যা করনা হ্যায় উসমে ধ্যান করনা হ্যায়। দাউদ নে ভি এসা হি কাহা না, তাহার বাক্যে সে দিবারাত্র কি করে, ধ্যান করে। আমি ধ্যান করনা হ্যায় পরমেশ্বর কে বচন মে। মে একবার দীঘা মে থা আর ওহাঁ পে কনফারেন্স চল রাহা থা, তো ওহাঁ পে এক পাস্টর এক স্পিকার আয়ে থে নাগপুর সে, উনকা নাম যোশুয়া ডেভিড। তো ও প্রচারক ও প্রচার কর রহে থে আর উনহোনে প্রচার করতে সময় কাহা কি কিতনোনে আজ সুবহ আপনে বাইবেল পড়া হ্যায়, বাইবেল পড়া হ্যায়। तो सबने हाथ उठाया कि हमने पढ़ा है। लेकिन जब उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या आपने यीशु के साथ मुलाकात किया है, तब सब साइलेंट हो गया वहां पे, सब हाथ नीचे उतर गया। बाइबल पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के निकल जाओगे। बाइबल पढ़ने का या फिर अध्ययन करने का या फिर ध्यान करने का अर्थ ये होता है कि आप यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ था जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर आपने यीशु मसीह के साथ वचन के साथ अगर मुलाकात नहीं किया है तो वो बाइबल पढ़ना कुछ भी नहीं है। सो डोंट स्टडी योर बाइबल लाइक ऑर्डिनरी बुक, एक ऑर्डिनरी किताब की तरह अपने बाइबल को मत पढ़े, अध्ययन करें, इसमें ध्यान करें और यीशु मसीह को खोजिए, इसमें ढूंढिए यीशु को, क्योंकि यही यीशु है, वचन ही परमेश्वर है, बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना हमारे जीवन को बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से मजबूत करता है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जिसके जीवन में प्रार्थना कम है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बोलने पे ज्यादा विश्वास करता है, इधर उधर घूमने में विश्वास रखता है, लेकिन प्रभु के चरणों में जो व्यक्ति चरणों तले आकर के जो व्यक्ति नहीं बैठता, जो प्रार्थना नहीं करता, उसके जीवन में प्रभु अपने सामर्थ्य उसे नहीं भर सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पता है आपको, प्रभु अद्भुत रीति से अपने सामर्थ्य से भर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रियो, बाइबल में प्रेयर वॉरियर्स के बारे में हमने देखा है, जो प्रार्थना के योद्धा है उनके बारे में हमने पढ़ा है। मैं प्रार्थना के बारे में बहुत ज्यादा लेक्चर दिया हूँ, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे सिखाया, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि यही प्रार्थना आपके जीवन को परमेश्वर के अभिषेक से, उसके सामर्थ्य से भरेगा। तो आप प्रार्थना करें, किस तरह का प्रार्थना करेंगे आप, मैं बार बार सिखाता हूं कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ प्रेयर। दो तरह का प्रार्थना होता है, एक होता है शारीरिक प्रेयर और एक होता है आत्मिक प्रेयर, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रेयर। शारीरिक प्रेयर या फिर शारीरिक प्रार्थना वो होता है जहां पे सिर्फ आप क्या करते हैं, एक किलो चावल, एक किलो गेहूं, एक किलो दाल, एक किलो तेल, इसके लिए सिर्फ आप प्रार्थना करते हैं। शारीरिक चंगाई के लिए, दुष्टात्मा भगाने के लिए सिर्फ आप प्रार्थना करते हैं, ये होता है शारीरिक प्रार्थना, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप शारीरिक बातों को क्या करते हैं,
परमेश्वर के सामने में रखते हैं। लेकिन आत्मिक प्रार्थना वो होता है जो यीशु मसीह करता था। और आत्मिक प्रार्थना जो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं आज, और 99% क्रिश्चियंस यही प्रार्थना करता है शारीरिक, लेकिन हमको यीशु ने शारीरिक प्रार्थना से ज्यादा आत्मिक प्रार्थना के बारे में सिखाया है। अगर आप आत्मिक प्रार्थना करें तो मैं कह रहा हूं जो पसीना मेरे यहां से निकल रहा है ना, जो पसीना आपके यहां से निकल रहा है शरीर से, वो पसीना खून बन जाएगा जैसे यीशु मसीह का बना था। जब आप उस प्रार्थना के लेवल तक, उस आत्मिक प्रार्थना के, अर्थात जब आप शारीरिक प्रेयर या फिर शारीरिक प्रार्थना के लेवल को आप क्रॉस करके जब आत्मिक प्रेयर में आप जब घुस जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करता था, क्यों गेत्सेमनी में उसका पसीना लहू में बदल गया था। मेरे प्रियो, क्योंकि वो शारीरिक प्रार्थना नहीं करता था कि आज मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम यही प्रार्थना करते हैं और यही सब प्रार्थना करवाने के लिए लोग मंडली में आते भी हैं। लेकिन ये बहुत कठिन बात है, इस शारीरिक प्रार्थना का जो घेरा है इससे बाहर निकलना, इस बाउंड्री से बाहर निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि आपने इसको पूरी तरह से क्या कर लिया है, अपने नेचर में, अपने स्वभाव में इसको बदल लिया है। और अपने इस नेचर को, अपने स्वभाव को बदलने में टाइम लगता है। इसीलिए प्रभु से आप आत्मिक प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु हमारे बीच में भाईचारा और बढ़ाइए, प्रभु हमें आप और बढ़ने में मदद करें, आपके वचन को समझने में मदद करें, आपके दूसरे आगमन के लिए मैं तैयार हो सकूं, प्रभु हमारे पाड़ा में जितने लोग हैं उन तक जैसे आपका वचन पहुंच सके। ये है आत्मिक प्रार्थना, जहां पे आप किसी भी शारीरिक बातों के लिए प्रभु से आप डिमांड नहीं करते हैं। यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा था? यीशु ने कहा अपने चेलों से, अरे जागते रहो, प्रार्थना करो। सिर्फ खाने के लिए प्रार्थना करते हो, सिर्फ ये प्रार्थना करते हो, सिर्फ वो प्रार्थना करते हो, लेकिन अभी मैंने तुम लोगों को मेरे साथ लाया है यहाँ पर, अभी मुझे देख करके तो सीखो कैसे प्रार्थना करना चाहिए। सो रहे हो, शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक प्रार्थना करना है आपको। आत्मिक प्रार्थना में वो ताकत है जिसको आपने और हमने आज तक अनुभव नहीं किया, लेकिन जब हम और आप उस बाउंड्री से निकल के जब आत्मिक प्रार्थना के बाउंड्री में घुसेंगे, तब परमेश्वर उन सभी सामर्थों का अनुभव हमें देगा जो फर्स्ट सेंचुरी में, जो सेकंड सेंचुरी में विश्वासियों के द्वारा या फिर उनके चेले या फिर एपोस्टल्स प्रेरित के द्वारा होते थे। डी, फेलोशिप या फिर सहभागिता। ग्रीक में इसे कहा जाता है कोइनोनिया, KOINONIA, कोइनोनिया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, एक्ट्स प्रेरित 2:42 पर। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और संगति रखने, इंग्लिश में क्या लिखा है, फेलोशिप। तो अब यहां पे सीन क्या है, मैं समझाता हूं आपको। पत्रस ने क्या किया, प्रचार किया। पत्रस ने वहां पे सुसमाचार प्रचार किया और एक दिन में कितना, 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अब ये लोग क्या करते थे, ये विश्वासी लोग डेली ये लोग क्या करते थे, सहभागिता करते, फेलोशिप करते थे एक दूसरे के साथ। ये लोग आकर के बैठते थे डेली, ये जितने भी विश्वासी थे ये लोग डेली रोज ये लोग एक दूसरे के साथ बैठते सहभागिता करते रहते थे। ये लोग, हम कितना दिन सहभागिता करते हैं, हम हफ्ता में एक बार, रविवार को, हफ्ता में 2 बार। हमारे जीवन में इतना गिरावट क्यों है पता है, यही कारण है क्योंकि हम
एक दूसरे से इतना दूर है। पास्टर, आप जितना ज्यादा अपने बीवी को जानते हैं, क्या मैं आपके बीवी को उतना ज्यादा जान सकता हूं? आप जितना उनके बारे में बता सकते हैं, क्या मैं उनके बारे में इतना बता सकता हूं? अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या आपके बीवी के साथ कभी भी मतभेद नहीं हुआ? होता है ना, लेकिन फिर भी आप लोग प्यार से रहते हैं। अरे मंडली में भी ऐसा ही है, चर्च भी ऐसा ही है, मंडली भी ऐसा ही है। हम लोग हफ्ता में एक दिन मिलते हैं, इसी वजह से हम लोग चेयर लेके लड़ाई करते हैं। हम हफ्ता में एक दिन मिलते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। हम हफ्ता में एक दिन मिलते हैं, इसी वजह से हम हमारे बगल में कौन बैठा है उसके नाम को भी हम नहीं पहचानते। क्या आप समझ रहे हैं? Am I right? सही बोल रहा हूं मैं? लेकिन वो लोग डेली एक दूसरे के साथ मीट करते, डेली बात करते, डेली एक दूसरे के चेहरा को देखते, तो उन लोगों के साथ क्या कभी झगड़ा नहीं हुआ? कभी मनमुटाव नहीं हुआ? हुआ, जरूर हुआ। वो सब बातें नहीं लिखा, उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन होता था। लेकिन वो लोग रोजाना मिलते थे और प्रभु यीशु में ये लोग क्या करते थे? फेलोशिप, सहभागिता करते थे। हमारी तरह नहीं कि चर्च में आकर के हम लोग आधा घंटा पहले आके बैठ करके क्या करते हैं, इधर उधर का फालतू का बात करते रहते। वैसा नहीं करते थे ये लोग। इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना, उसके खिलाफ में बात करना, ऐसा ये लोग नहीं करते थे। ये लोग सिर्फ मिलते थे यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए, सीखने के लिए, गाना गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। यही है सहभागिता। जब आप आत्मिक रूप से सहभागिता करेंगे, जब आप फेलोशिप करेंगे, जब आप कोइनोनिया करेंगे, तब क्या होगा जानते हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि तू जीएल का है, तू सीएनआई का है, मैं एजी का हूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मेरा जॉब, आपका जॉब, आपका जॉब एक ही है, और वो है यीशु मसीह का सेवा करना। हाँ, हम डिफरेंट रीति से कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा देना है। आज गड़बड़ी या समस्या इसीलिए है इतना ज्यादा हमारे बीच में, क्योंकि हम फर्स्ट सेंचुरी में विश्वासी लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते, बात करते, एक दूसरे को जानते थे, उस तरह से आज हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। हमारे बीच में बहुत ज्यादा क्या है, डिविजन है। आप गरीब हो और मैं अमीर हूं, आप कार में आते हो और मैं पैदल आता हूं, आपके आपके शरीर से दुर्गंध आता है और मैं परफ्यूम लगा के आता हूं, मेरा बहुत बड़ा घर है और आप झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो इसी कारण से हमने मसीह को, यीशु मसीह को देखना बंद कर दिया है। हमारा सहभागिता, हमारा फेलोशिप, हमारा कोइनोनिया यीशु मसीह के साथ नहीं, कुछ और चीजों के साथ नहीं है, और इसी कारण से आज इतना ज्यादा मनमुटाव, इतना ज्यादा डिविजन। ये लोग उसे पसंद नहीं करते, ये उसे पसंद नहीं करता। मैं यहाँ पे बस आता हूँ वचन का प्रचार करने के लिए, और मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बैठ करके मुझे, आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ सिखा करके मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेलोशिप सिर्फ आप लोगों को चाहिए ऐसा नहीं है, मुझे भी चाहिए से फेलोशिप। शायद आपको लगता होगा कि ये बहुत मैच्योर है, ये बहुत पावरफुल है, ये सिखाने वाला है, ये पास्टर है, ये टीचर है, इसको फेलोशिप का जरूरत? सबको फेलोशिप का जरूरत है। चाहे आप जिस डिनोमिनेशन से, जिस चर्च में आप जाते हो, आप जाइए, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं, लेकिन मुझे मतलब इस बात से है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। मुझे छत्तीसगढ़ से एक फोन आया और एक भाई मेरे से बोल रहा था कि जानता है राहुल, मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने धमकाया, धमकी दिया है मारने का जान से, हम काम नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी पास्टर आकर के मदद नहीं कर रहा है। पता है राहुल क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के साथ किसी का भी बनता नहीं है। आप सोच करके देखिए, हम किसका सेवा कर रहे हैं? किसका? ईश्वर है, यीशु मसीह का। तो बन क्यों नहीं रहा एक दूसरे के साथ? इंसान की सेवा कर रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना सेवा कर रहे हो? आप कह तो रहे हो कि मैं यीशु मसीह का सेवा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं क्या आप अपना सेवा कर रहे हो और इसी वजह से आपको एक दूसरे के साथ बन नहीं रहा है, आप फेलोशिप नहीं कर पा रहे हो, सहभागिता नहीं कर पा रहे हो? उनके बीच में बहुत ज्यादा वो लोग बहुत फेलोशिप करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, लेकिन आज हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उस रीजन को आप अपने अंदर में ढूंढिए। लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल फादर, अपने आत्मिक पिता से सीखिए। हमारे जो पास्टर हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमें क्या करना होगा? उनसे सीखना होगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं यहां पे बस जब एक महीना रहता हूं तो ये मेरा कोशिश रहता है कि मैं जो चीजें जानता हूं, जो चीजें मैंने सीखा है, वो आप लोगों को सिखाऊं। लेकिन मेरे चले जाने के बाद आप लोगों के ऊपर में परमेश्वर ने किसी को रखा है, ठीक है? आप आपके जो अगुवे हैं, आपके जो पास्टर हैं, आपके जो लीडर्स हैं, उनसे सीखिए। अगर आप नहीं सीखते हैं, अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बिना सीखे प्रचार कर रहे हैं। मैंने सुना भी ऐसा और हमने ऐसा देखा भी है। बहुत लोग वो नहीं सीखते और वो लोग क्या करते हैं, जाकर के प्रचार करते हैं। ना, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर सौर्यमंडल या फिर सोलर सिस्टम के बारे में आपने अगर कभी पढ़ा नहीं है, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपसे मैं कहूं कि आप उसको जाकर के सिखाइए या सोलर सिस्टम के बारे में, सौर्य मंडल के बारे में बताइए, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन आज ऐसे झूठे और ऐसे भरमाने वाले, ऐसे फॉल्स टीचर से भर गया हमारा समाज, और यही लोग क्या कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को डैमेज कर रहा है। ये लोग जिनके पास आत्मिक शिक्षा नहीं है, आप उस वचन को बहन फिर से पढ़िए, प्रेरित 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, वहां पे जितने भी नए विश्वासी थे वो लोग क्या कर रहे थे, उनके जो सीनियर्स थे, उनके जो अगुवे थे, उनसे क्या कर रहे थे, वो लोग सीख रहे थे। आज मैं इस जगह पे क्यों खड़ा हूं, बिना सीखे। ये तो है कि हमारा सीखना कभी भी खत्म नहीं होता, हमें मृत्यु तक सीखना होगा। वी पास्टर्स या फिर हमने जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग सीखते हैं, हमें रोज पढ़ना पड़ता है, रोज हम लोग सीखते हैं, उसके बाद आकर के आप लोगों को सिखा देंगे। लेकिन एक सर्टेन स्टेज तक आपको सीखना पड़ता है। आपके जो भी आत्मिक पिता है, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके अंडर में रह करके आप सीखिए। अगर आप खुद नहीं जानते तो आप दूसरों को कैसे सिखाएंगे? आप जो मर्जी आएगा बोल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर आपके एक एक शब्द, आपके एक एक अल्फाबेट, आपने जो गलत इस्तेमाल किया है उसका हिसाब आपसे परमेश्वर लेगा। इसी वजह से वो कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो भी इस भविष्यवाणी के पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है उसमें हम कुछ ना जोड़े और उससे कुछ हम ना। जी हाँ, तो सीखिए, हमें सीखना होगा। मैंने 2006 साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं उसके बाद नहीं बोलना शुरू नहीं किया, प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं एक सीखने का जो स्टेज होता है, एक प्रोसेस, उससे मैं गुजरा हूं। एंड आफ्टर 2015, 2015 के बाद से मैं क्या कर रहा हूं, पूरी तरह से मैं खड़ा होके बोल रहा हूं। इतना साल मैं सीख रहा था, क्योंकि आपको कुछ फाउंडेशनल टीचिंग्स या फिर कुछ फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स आपको जानना होगा। आप जब विश्वासियों के सामने में, नॉर्मल लोगों के सामने में जाओगे तो आप उनके उनसे आपको बहुत सारा प्रश्न आपको सुनने को मिलेगा, वो आपको बहुत सारा प्रश्न करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे पता है, तुम्हें निजर पांडित्य देखानों चेष्टा करोगे, आप बहुत बड़ा ज्ञानी हो,
और अपना ज्ञान दिखाने का चक्कर में अब क्या करोगे, उसे गलत सिखाओगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं जो कहेगा कि मुझे नहीं पता है, आप बाद में आइए मैं बाद में बताता हूँ, ऐसा नहीं होता। हर कोई दिखाने का कोशिश करता है और उसी के चक्कर में आप उसे गलत शिक्षा दे देते हैं और वही गलत शिक्षा सर्कुलेट होते रहता है। और इसी वजह से आज बहुत से भरमाने वाले शिक्षक या फिर ऐसे भरमाने वाले ग्रुप जिसे कल्ट या फिर पंथ कहते हैं वो आ चुके हैं, जैसे चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलीसिया, जैसे वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब भरमाने वाला कलीसिया है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, उसके बाद यहोवा विटनेस। तो बी केयरफुल, आपको क्या करना होगा, सीखना है, क्योंकि सब कोई सीख रहे थे। लास्ट पॉइंट, मत्ती 28 अध्याय 19 और 20 पद, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 एंड 20। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को जिला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। यस, यीशु ने भी क्या कहा, उन्हें बपतिस्मा दो और उसके बाद क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, मैंने जो तुम्हें सिखाया वो क्या करना है, तुम्हें सिखाना है। यीशु ने उन्हें सिखाया 3.5 साल तक और उसके बाद इन लोगों को भेज रहा है यीशु, है ना, कहता है कि अब जाओ और जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन यीशु ने उन्हें वेट करने के लिए कहा कि थोड़ा वेट कर लो क्योंकि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आएंगे, सामर्थ और सहायता आपको वही करेंगे मेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो एफ जो पॉइंट है, आपको जो करना है वो है प्रीच द गुड न्यूज, सुसमाचार आपको प्रचार करना। ओके, तो आपको पहले क्या करना होगा, सीखना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रचार करना है यीशु मसीह के बारे में जाके, आपको उसके बाद बोलना होगा। फर्स्ट यू हैव टू लर्न अंडर योर लीडर्स, आपके जो अगुवे हैं, आपके जो पास्टर हैं, आपके जो आत्मिक पिता हैं, उनके अंडर में रहिए और उनसे सीखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रभु के वचन को या फिर उसके सुसमाचार को प्रचार करना है, यीशु के बारे में प्रचार करना है। और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है वही गुड न्यूज और वही सुसमाचार है। अगर यीशु के बारे में आप ना बोल करके आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो वो सुसमाचार नहीं है। अगर मैं यहां से यीशु के बारे में ना बोल करके मैं अपने आप के बारे में बोलता हूं, अपने आप के लिए मैं महिमा लेने की कोशिश करता हूं तो वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार वही है जब आप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। तो आपको क्या करना है, सीखना है और उसके बाद एट लास्ट सुसमाचार प्रचार करना है। आशा करो तो आप सभी ने आज कुछ सीखा होगा। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे।